हेलो फ्रेंड, आप सभी का केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। तो लास्ट टाइम पे हम एस ब्लॉक के तत्वों की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात कर रहे थे और एस ब्लॉक के जितने भी तत्व थे उन सभी के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हमने भरना सीखा था। अब आज जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे पी ब्लॉक के तत्वों के बारे में कि पी ब्लॉक में कौन कौन से तत्व हैं हमारे पास में। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, ये हमारे पास में है पी ब्लॉक। अब इनको हम पी ब्लॉक के तत्व क्यों कहेंगे, क्योंकि इन तत्वों का जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है पी उपकोष में भरा जाता है। हम बोल सकते हैं इन तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में भरा जाता है, अतः इन्हें पी ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। पी ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। ठीक, अब बात करते हैं कि पी ब्लॉक के जितने भी आपके पास में तत्व दिए हुए हैं, पी ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होगा वो हमारे पास में होगा NS2NP1 से लेकर 6। कि P जो उपकोष होगा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं आपके पास में, 1 से लेकर 6 तक के हो सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कौन कौन से तत्व यहाँ पर हैं। इससे पहले हमने आवर्तन में बात कर ली थी, फिर भी हम बात करते हैं कि हमारे पास में वर्ग 13, 14, 15, 16, 17 और 18, ये जो हमारे पास में जो हैं इन सभी की बात हम करेंगे। ठीक है, तो वर्ग जो 13 है हमारे पास में, इसमें कौन कौन से तत्व आते हैं तो हम उसकी बात करेंगे। यहाँ पर आएगा हमारे पास में बोरोन, अगर हम वर्ग की बात करें। ठीक है, देखो यहाँ पर आएगा बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम आपके पास में आ जाएगा। आप इसको याद कर सकते हैं बैंगन, आलू, गाजर, इन्हें थैलियम। कैसे याद करेंगे, बैंगन, आलू, गाजर, इन्हें थैलियम। इसको याद करने की ट्रिक क्या हो जाएगी, बैंगन, आलू, गाजर, इन्हें थैलम। इनके नाम मैं वापस बताता हूँ, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलम हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद में कौन आएगा, बोरोन बाद में कौन आता है, कार्बन आता है। ठीक है, तो कार्बन के आपके पास में देखो कार्बन आ जाएगा, यहाँ पर नाइट्रोजन आ जाएगा, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियम। तो यहाँ लिख लेते हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियम। ठीक, अब यहाँ पर कौन आएगा आपके पास में, यहाँ तो तत्व आएंगे इनको बोलेंगे कार्बन, सिलिकन, जर्मेनियम, SN जो हो जाएगा पास में, एंटीमनी हो जाएगा, लेड हो जाएगा पास में। ठीक है, ये तीन हो जाएगा आपके पास में। तो देखो इसको बोलेंगे कहे सीताजी सुनो प्रभु, इसको हम कैसे याद करेंगे, कहे सीताजी, कहे सीता यहाँ पर आ जाएगा जी, इसको कैसे बोलेंगे सुनो प्रभु। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास में इसको कैसे याद करेंगे नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब लिखा है, कैसे याद करेंगे बच्चे, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब लिखा है। ठीक है, ये इनको याद करने का तरीका हो गया। अब इसको याद करेंगे, इसको याद करेंगे ओल्ड स्टाइल से टीपो, इसको कैसे याद करेंगे ओल्ड, इसको बोलेंगे स्टाइल से, ये हो जाएगा टी और ये क्या हो जाएगा ओल्ड स्टाइल से टीपो। ठीक है, इसको कैसे, इसको याद करने का तरीका हो जाएगा बच्चों फिर कल बाहर आई आंटी, कैसे याद करोगे फिर कल बाहर आई आंटी,
ठीक है। और लास्ट में जो हमारे पास में जो वर्ग बच गया, ये अक्रिय गैस वाला वर्ग बच गया, और इसमें कौन कौन से आएंगे, हे नी अगर कर जीरो रंग बनाए। तो इसको कैसे याद करोगे, यहाँ पर जो आपके पास में आएगा वो हीलियम भी आता है 18 वर्ग में, लेकिन हीलियम जो होता है उसका परमाणु क्रमांक 2 होता है बच्चों, और परमाणु क्रमांक 2 होने की वजह से इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 1s2। मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, s में जा रहा है। तो सर ये s ब्लॉक का तत्व होना चाहिए था, लेकिन हम इसको p ब्लॉक में क्यों रखते हैं, क्योंकि बच्चों ये क्या है, अक्रिय गैस है, और सभी अक्रिय गैस को कहाँ रखा गया, शून्य समूह में रखा गया था। ठीक है, तो इसको आप यहाँ से देख लेंगे, हे नी अगर कर जीरो रन बनाए। इसको याद कर लेंगे, हे नी अगर कर अगर सॉरी विद्यार्थियों, यहां पर थोड़ी सी गलती होगी हमारे पास से, ये जो तत्व है ये रिपीट हो गए, ये हो जाएगा हे नी अगर कर जीरो रन बनाए, हे नी अगर कर जीरो रन बनाए, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे हमारे पास में पी ब्लॉक के तत्व हो गए, और ये हमारे पास 13, 14, 15, 16, 17, 18 वर्ग के तत्व हो जाएंगे, ये वर्ग हमारे पास में 18 हो गए। और वर्ग जो हमारे पास में जो 15 है उसको हम बोलते हैं नाइट्रोजन उर्वरक वर्ग, क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन उर्वरक वर्ग। ये हमारे पास में हो जाएगा चालकोजन, ये इसको निकोजन भी बोलते हैं, ये हमारे पास में हो जाएगा हैलोजन परिवार, और इसको हम बोल सकते हैं शून्य समूह, या फिर क्या बोलेंगे, अक्रिय गैस, अक्रिय गैस वर्ग। ठीक है बच्चों, तो ये सारे के सारे जो हमारे पास में तत्व जो हो गए, ये सारे के सारे जो तत्व हैं, ये सारे पी ब्लॉक के तत्व हैं, किसके तत्व हैं, पी ब्लॉक के। और पी ब्लॉक का सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होता है, NH2NP1 से लेकर 6। जैसे कि आपके पास में ये जो वर्ग दिया है 13, इसका सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होगा, NH2। इसका जो सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास होगा वो क्या होगा हमारे पास में, इसका जो सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास होगा NH2NP1। इसका क्या होगा आपके पास में वर्ग 14 का, NH2NP2। वर्ग जो 15 है इसका हो जाएगा NH2NP3। इसका हो जाएगा NH2NP4, NH2NP5 और NH2NP6। ये सभी का क्या हो जाएगा, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और प्यारे बच्चों, इनके पास में यहाँ पर आप देख रहे होंगे कितने इलेक्ट्रॉन है, बाह्यतम कोष में 2 और 1 3, तो इसकी संयोजकता कितनी होगी, 3, इसकी कितनी होगी, 4, 5, 6, 7, 8। तो यहाँ पर इनके पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो हो जाएंगे 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ठीक है स्टूडेंट, बाकी बात करेंगे हमें अगली क्लास में।